उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बड़ा हादसा हो गया। मेरठ के थाना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में शनिवार शाम करीब 5 बजे 35 साल पुराना 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। वहीं मकान के मलबे में एक ही परिवार के 15 लोग दब गए। सूचना मिलने पर पहुंची लोहिया नगर पुलिस, स्थानीय लोग, दमकल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक 1.5 साल की बच्ची समेत 9 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के साथ स्निफर डॉग भी लगाए गए। बता दें कि 15 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकान की मरम्मत नहीं होने के चलते ये काफी जर्जर हो गया था। मकान के मलबे में 15 लोगों के दबे होने की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी डीके ठाकुर, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी विपिन ताजा, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित कई सीओ भी पहुंचे। इसमें देखिए 14 लोगों के अराउंड लोग थे जो उनकी फैमिली और रिलेटिव्स ने बताया गया। 3 लोग जब मकान गिर रहा था इनिशियली उसी टाइम पे निकाल लिए गए थे, रेस्क्यू हो गए थे वो लोग। और बाकी के जो 11 लोग थे जो मलबे के नीचे थे उनमें से 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी अभी प्रायोरिटी ये है कि जो 6 लोग बचे हुए हैं जो उनके रिलेटिव्स के द्वारा बताया गया है तो उनके लिए एनडीआरएफ और दोनों 2 SDRF की सहारनपुर अमरोहा से भी टीम आई हुई है। पर्याप्त टेक्निकल फोर्स और इक्विपमेंट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके और घायल या जो भी व्यक्ति उसके अंदर है उनको इलाज के लिए तत्काल भेज